और भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए, कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है, अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। हमें देश को, बिहार को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। साथियों, बिहार और नवादा की हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। अब हर बहन के पास उसके इस भाई की, मोदी की गारंटी भी है। आज 12 करोड़ घरों में बने इज्जत घर महिलाओं के सम्मान की गारंटी है। आज बिहार में करीब 1.25 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर धुएं से आजादी की गारंटी है। अकेले नवादा में ही 2 लाख से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन है। बिहार के गरीबों को मिले 37 लाख पीएम आवास, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी है। बिहार के 8.5 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन इस बात की गारंटी है कि किसी मां की संतान भूखे पेट नहीं सोएगी। इतना ही नहीं, तीसरे कार्यकाल में अभी तो मोदी की कई और गारंटी आने वाली है। अब मोदी की गारंटी है कि गांवों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब मोदी की गारंटी गांव और गरीब परिवार की बहनों को ड्रोन पायलट बनाने की है। मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है ताकि गरीबों का बिजली का बिल, मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन साथियों, मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है।
उनको पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? ये लोग कहते हैं और कानून को जानकार कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैरकानूनी है। मेरे देशवासी, आप ही देश के मालिक हैं, आप मुझे बताइए क्या मोदी गैरकानूनी काम कर रहा है? क्या गारंटी देना गैरकानूनी है? क्या मैं मेरे देशवासियों को मेहनत करने की गारंटी देता हूं तो क्या मैं गुनाह करता हूं? मैं मेरे देशवासियों को यह कहूं कि मैं 24 घंटे काम करूंगा तो क्या ये गुनाह है? मोदी गारंटी देता है उसको भी उन्होंने गुनाह बना दिया। अरे भाई, मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है। मोदी गारंटी इसलिए देता है कि मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वालों को खुद को देश का परमानेंट शासक समझने वाले इंडी गठबंधन वालों को ये समझ नहीं आएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।